हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अष्टम श्रेणी पिला माने, आज आम तुम संस्कृत बहीर विचित्रा सृष्टि विषयटी को ओडिया रे बुझिबा एवं यार नेक्स्ट वीडियो रे आम यार प्रश्न उत्तर गुड़िक देखिबा। तो देख प्रथमे कौन देछि ना, एकस्मिन अरण्य महान बट वृक्ष अस्ति। तार अर्थ कौन ना, कौनसी अरण्य रे विशाल बरगछ थाए, तस्य कूटरे एकह खंजन परिवार सानदं निवसति। तार ओडिया रे अर्थ होची, ताहार कोरडरे गोटिए कचलपाती परिवार बास करे। तो तापरे कदाचित खंजन परिवार एकह नूतन शावकह जन्म नयति। तो एकदा कचलपाती परिवार रे गोटिए नुआ पिला जन्म निए। तो पिला माने देख, एई गुड़ी का जो गोटे गोटे वाक्य रही, तो एई गोटे गोटे वाक्य तुम संस्कृत रे एग्जाम रे आसे, जोटा कि तुम दुई मार्क एथ्रु आसे हला। तुम गोटे देख, तर गोटे वाक्य दे खंजन माता तस्मै प्रतिदिन भोजन ददाति। तो ताकि तुम ट्रांसलेट कर ओडिया लिख, तो यही तुम एग्जाम आसे। ठीक अच्छे, तापर देख तुम्हें यहाँ को देखले तुमने बहीर जो संस्कृत लेखा अच्छी ओडिया बुझीपर है। तो तापर देख, खंजन माता तस्मै प्रतिदिन भोजन ददाति। तो यार अर्थ होची, कचल पातीर माँ ताको प्रतिदिन खाद्य दिए। एकदा साहा स्वस्य कृष्ण वर्णं दृष्ट्वा चिंतित बंती। तो यार अर्थ होची, थरे से निजर कला रंग देखि चिंता कले। तो तापर छ नंबर देख, ईश्वरस्य पक्षपात कीदृशः। तो यार अर्थ होची, किभली भगवानंक पक्षपातिता। तापर केचन सुंदरा भवंती अन्य केचन कृष्ण वर्णा असुंदरा च भवंती। तो यार अर्थ, केतेक सुंदर अच्छा अन्य केतेक कला रंग एवं असुंदर अटंती। तो तापर कोकिलस्य स्वर एव मम स्वर नास्ति। तो यार अर्थ, कोइलीर स्वर परि मोर स्वर नाही। सुकह इव मम सुंदरं रूपं न भवति, सुआ परि मोर सुंदर रूप नाही। तो तापरे जदि ईश्वरस्य कृपा भवति, जदि भगवानंक दया हुए, तहिर मम परिवारस्य सर्वे सुवर्ण वर्णा भवेयु। तार अर्थ, तेबे मो परिवारर समस्ते सुना परि रंग हेबा उचित। तो तापरे वयं गर्वं कर्तु पारयामः, आमे गर्व करि पारिबु। प्रतिदिन एवं हीन भावनया पीड़िता भवती खंजन माता। तार अर्थ, प्रतिदिन एहिपरि हीन भावनारे पीड़ित होइछि कचलपातीर माँ। तो तापरे अस्मिन् समय एकह सुंदर सुख तत्र आगछति, एही समय रे गोटे सुंदर सुआ सेठा को आसी। तापरे एकदा वृक्षणां खायां वृक्षसा खायां खंजन माता तं पश्यति। तार अर्थ, थरे गच्छ डाळरे कजलपातीर माँ ताकु देखिला। तापरे तदा तस्य मनसी ईर्ष्या आगछति, सेतेबेले तार मनरे ईर्षा आसिला। सा चिंतयंती सुखस्य जत सौंदर्य तत् मयि नास्ति, से चिंता कला सुआर जो सौंदर्य ता मो पाखरे नाही। नेक्स्ट, तस्य गानम उड्डयनम कर्णद्वयस नेत्रद्वयस च तृप्ति जनयति। तार गान उड़ाण कान और आखिर तृप्ति जन्माऊ। तापरे
तदा एक ବ୍ୟାଧ ତତ୍ର ଆଗଛତି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ ସେଠାକୁ ଆସିଛି, ହେଲା। ତଦା ଏକ ବ୍ୟାଧ, ହେଲା, ତତ୍ର ଆଗଛତି। ତାପରେ ଜାଲେନ ଶୁକସ୍ୟ ବନ୍ଧନଂ କରୋତି ପିଞ୍ଜରା ମଧ୍ୟେ ତଂ ସ୍ଥାପୟତି ଚ। ଜାଲରେ ଶୁଆକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଏବଂ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରଖିଛି। ତାପରେ ଭୀତଃ ଖଞ୍ଜନ ମାତା ଶୁକସ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଂ ପଶୟତି, ଭୟଭୀତ କଜଳପାତିର ମା ଶୁଆର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଛି। ତାପରେ ହେଲା ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ କୃତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପୟତି ବଦତି ଚ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛି ଓ କହିଛି, ଶୁକ ସଦୃଶଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଂ ଯଦି ମୟି ଭବତି ତହିର୍ ଅହଂ ତତ୍କ୍ଷଣ ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତାଂ ଭବୟମ୍। ଶୁଆ ପରି ଯଦି ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅସ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଅସ୍ମାକଂ ମନଃ ତୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତମ୍ ଏବ, ଆମର ମନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅଛି। ତାପରେ ଅନେନ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନେନ ଖଞ୍ଜନ ମାତୁ ହୀନ ଭାବନା ଗଚ୍ଛତି, ଏହି ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପରେ କଜଳ ପାତିର ମା ପାଖରୁ ହୀନ ଭାବନା ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ସା ପରିବାରେଣ ସହ ସୁଖେନ କାଳଂ ଯାପୟତି, ସେ ପରିବାର ସହିତ ସୁଖରେ ସମୟ କାଟୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ତ ଏହାକୁ ଦେଖିକି ତ ତୁମେମାନେ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେବ ଏବଂ ଏହାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା।